आप ही लोग जो है पढ़ते हैं लोगों को, है ना। आइए प्लीज साथ में चले। और विपिन बल जी चले गए क्या? अच्छा मैं उनका मालूम नहीं पड़ रहा। हमारे बड़े भैया और हमारे गुरु जी को बहुत समाज सेवा के अंदर जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा, आदरणीय महेश सक्सेना जी और मेरी परम आदरणीय दीदी जिनको मैं आज 2.5 साल के बाद मिल रहा हूँ। मेरे दिमाग में था सब कुछ शायद आप बेंगलोर में हैं, वहीं रह रही हैं, लेकिन आज आपको यहाँ देख के दिल बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ कि जिस तरह आपने संविधान फिर जब इंटरनेशनल हो गया है तो इंडिया का ऐसे तेज सफर कर रहे थे तो इंडिया का शौक होता है खिलाड़ियों को, अरे आप इंडिया का ट्रैफिक बना है, जूता बना है, ये बना है, एकदम उसे ये जज्बा होता है। महेश भाई साहब और विपिन भाई साहब भी ये जज्बा को कायम रखे हुए हैं, इसीलिए समाज में किसी पद पर है और किसी पोजिशन पे है, किसी बैनर में। भाई साहब ने भी इंटरव्यू भी काम किया, भारत ने भी काम किया, आज अमर उजाला में भी है, लेकिन समाज एक बना रहा पत्रकार। आपको शायद पता ना हो जब हम लोग आए थे सर UNI में लिखा था और मैंने खबर छाप दी कि उत्तर प्रदेश शायद आप गुंडा राज का जो जुम्मा चला उसी चला था कि उत्तर प्रदेश कभी जुड़े हैं आपके पहचान में नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि ये कार्यक्रम अगर पत्थर पर धूप जमाने की एक पहल मान ले तो बेहतर होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम और भी आगे हम जोड़ें, बड़े पैमाने पर जोड़ें, और भी जो हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं इनको हम बुलाना चाहते थे, कोविड के प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं शेयर कर पाए अपनी बात, यहाँ तक वो नहीं आ पाए हैं। धीमे धीमे ही सही मुट्ठी बनी है और बनी रहे, और ये तो हमारे नोएडा की खासियत है कि यहाँ इतने लोग आए हैं, सिर्फ आपकी वजह से आए हैं। इस नई पीढ़ी में शायद वो कुवत नहीं है कि वो इतने सारे लोग इकट्ठा कर पाए, और ये लगातार होना चाहिए। मेरा एक भांजा है 10-12 साल का, उसने एक दिन वीडियो कॉल पर देखा और बोलता, मामा आप जिम तो 3 महीने से जा रहे हो, आपका पेट तो कम हुआ नहीं। और मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सरकार घेरे में आ गई। आप विश्वास नहीं करें तब स्थिति मनीष भाई की, अगर आपने एक लाइन लिखी तो 3 दिन हम जिले में सूट कर रहे थे, तब घेर के मारते थे सब यहाँ पत्रकार। तुम ये गलत हो, तुमने ये गलत काम किया है तो पिटेगा कौन? इंसान। और इस तरह से हमारी कड़ियां टूटती जाएंगी, और इन कड़ियों को अगर जोड़ना है तो आप सबको मिलकर जोड़ना होगा। लगातार हम मिले और एक होकर एक सच्चा हिंदुस्तान जो बहुत पहले स्वतंत्रता के पहले यह देश जिन लोगों ने आजाद करवाया था, बड़े बड़े योद्धा थे जो मरने से नहीं डरते थे, परिवार के लिए त्याग करना नहीं चाहते थे, इस देश के लिए सर्वप्रथम देश आता था, त्याग वही त्याग अब फिर आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मेरे ये भाई जिन लोगों ने कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की, ये समागम बनाया, वही लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे और कुछ प्रकाश इस देश में लाएंगे, ताकि झूठ और जो भी मक्कारी है वो इस देश में ना रहे, तभी ये भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। बड़ा अच्छा लगता था उन दिनों संघर्ष के समय, आज बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मैं अगर अपने किसी मित्र से मिलने नोएडा आ जाऊं तो एक अखबार में खबर निकलती है कि ये जेवर को छोड़ के नोएडा क्यों घूम रहे हैं। पुराने साथी हैं हमारे संघर्ष के, तो मैं सोच रहा था अगर मैं नोएडा पत्रकारों के कार्यक्रम में गया तो बहुत लोगों की नींद उड़ सकती है। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी, और चूंकि जिस तरीके से कंप्यूटर हैंग हो जाता है, देखिए सुरेश जी वीडियो बना रहे हैं, ये भी कहीं पहुंचेगा। जिस तरीके से कंप्यूटर हैंग हो जाता है उसे रिफ्रेश करते हैं आप सभी लोगों से मिलकर। आज बहुत सी यादें ताजा हुई। नोएडा जब हम जनपद बुलंदशहर से 1997 में इसमें आए तो हमें लगता था कि ये तो बहुत बड़े लोगों का शहर है, हम किसान लोग कैसे इन लोगों के साथ अपने आप को चला पाएंगे। लेकिन नोएडा ने एक पहचान दी, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज जहां का मैं विधायक हूं वह क्षेत्र अब नोएडा को पहचान दे रहा है। सही बात, क्या बात। ये एक समय का बदलाव है। अशोक जी अभी बता रहे थे, इनकी बात सत्य है, हम लोग भी जनपद बुलंदशहर या फरीदाबाद को इस जिले को आया करते थे,
एक पीड़ा रहती थी दिल में कि बताइए आजादी को इतने साल होने जा रहे हैं लेकिन हम अपने